करने का मन गुड करता इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। है? वेरी गुड इवनिंग। या फिर ये मन करता है कि नहीं भाई, हमें समय नहीं बर्बाद हमारा करना है। पेपर डिस्कस करने का मन नहीं करता। टेस्ट आप कहाँ से? अच्छा, तो मतलब आप बेसिकली PYQs करने में इंटरेस्टेड ज्यादा लगते हो ना। यस मैम। तो आपसे केमिस्ट्री वाले सर ने तो पेपर अच्छे से डिस्कस किया है, इसमें माँ भी कर लो। तो उनसे भी आपने कैसे डिस्कस करवाया था? तो मैम उन्होंने आपको पूछा तो इनका क्या आपको पसंद आता है कि नहीं आता, अच्छा, बस करवा उन्होंने दिया। मुझे चलो ठीक है, मैं नहीं ही क्या। पूछ। फिर भी ठीक है, एक तरह से हमें अपनी गलती पता चल गई। अच्छा, पेपर डिस्कशन करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपनी गलती यस पता मैम, चल गई है। ओके, तो अच्छा बच्चों, अच्छा आपको एक लगा बात, मुझे। अच्छा एक बात और मुझे जरा बताइए आप लोग, कि आपको याद रहता है जो भी आपने पिछली पढ़ाइयां की है? क्वेश्चन देख के याद आता है? मैम रिवाइज करो तो आदत नहीं आता। नहीं आता वाह, बिल्कुल सही जवाब। इसी जवाब के लिए तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके लिए। ओके, चलिए आपका स्लाइड ओपन करते हैं ना पहले। ये यस तो मैम। J2 वालों का था। किधर गया भाई? आप ढल रही कर है। केमिस्ट्री इज वेरी इजी, या फिर कुछ और बहुत इजी है आपका? और मैथ्स में क्या करना होता है आपको? बस फॉर्मूला रिमाइंड मैथ्स करना मैथ्स आसान है। है। मैथ्स आसान यस मैम। है? ये तो सर बड़ा कठिन लग रहा है। वाह, ये नंबर भाई अभी फेवरेट क्यों है। ओपन नहीं हो रहा है? इसको क्या हो गया? यस प्लीज रिप्लेस द टेस्ट पेपर डिस्कशन। पता है मेरे डिस्कशन कभी एक ही क्लास में नहीं हो पाते, 1 घंटे में कभी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आधा मैं आपसे पूछती हूँ, आधा आप लोग मुझसे पूछते हो, फिर आधा आप सोचते हो मैं बोलू, मैं सोचती हूँ आप बोलो, तब तक मैं स्क्रीन बोलता है कोई मत बोलो, मैं ही बोल देता हूँ, वो बोल देता है कि चलो मैं बंद हो रहा हूँ। ठीक है, हमारा नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टेप्स, जब आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहाँ से होगा एक क्लास में डिस्कशन? क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो ये भी हमारा मेरे को लग रहा है 2 क्लास ले लेगा, आज और कल दोनों दिन ले लेगा ये। चलिए स्टार्ट यहाँ से ही करते हैं। आज का डेट है बच्चों 29 जनवरी 2024, लेक्चर नंबर है 1। ऑब्जेक्टिव में आज का बस यही है, बातें करना, यानी कि डिस्कस करना, और हम करेंगे क्या? ठीक उसका उल्टा है ना। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। सच सच बताइए, आप में से कितने लोग टेस्ट में बैठे थे संडे को? मैं ही पूछ रही हूँ, और कोई नहीं पूछेगा, और कोई देखेगा भी नहीं कि किसने जवाब दिया किसने नहीं, बस हैंड रेस कर दीजिए। टेस्ट में कितने लोग बैठे थे? अरे रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड हो ही जाएगा आपका, पता चल जाएगा। कशिश, तनिषा, कानुप्रिया, सुहानी, 4 लोग बैठे। मैं शादी में गई थी इसलिए नहीं बैठ पाई। वाह जी वाह, शादी में गए थे, कोई बात नहीं, शादी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी टेस्ट तो होगा ही अभी नेक्स्ट संडे, उसमें बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, टेस्ट तो होगा नेक्स्ट संडे, फिर से होगा, बस मैंने ऐसे पूछ लिया। तो देखिए, अल्फा बीटा हमारे 2 मेहमान हैं, उनकी मेहमान नवाजी कैसे करनी है? इनके पीछे भी आपको चौकीदार लगाने हैं, आगे भी चौकीदार लगाने हैं, ताकि उनको कुछ हो ना जाए। तो उनके पीछे जो चौकीदार लगेंगे वो पाई होंगे, आगे जो लगेंगे वो 3 पाई होंगे, 3 कमांडोज और 1 कमांडो।
फिर ये कह रहा है कि अरे साइन अल्फा प्लस जो उससे बीटा है, आगे गएंगे वो 4 पाई होंगे। चार कमांडोस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तीन और एक मिलके चार हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बोलेगा कि अरे मेरे पास तो एक वैल्यू है, तो उसने हमें क्या दे दी, वैल्यू दे दी -21/65, और कॉस अल्फा कॉस बीटा ने -27/65 दे दी। देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, एक फॉर्मूला था बच्चों पता है, था किसी जमाने में जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे वैसे, पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन 3 पाई। उस फॉर्मूले में ना जैसे आप लिखते हो ए प्लस बी द होल का स्क्वायर, ए माइनस बी द होल का स्क्वायर, उसी तरीके से उसमें आप 1 प्लस साइन अल्फा प्लस था या माइनस था फॉर्मूले में, या फिर इनटू था, इनटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा, ऐसा कुछ लिख सकते थे आप। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था, कुछ तो था इनटू में टू, अगर आप इस पूरे को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, इनटू टू करते हो, विच इज इक्वल्स टू, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर आपको किसका स्क्वायर करोगे, -21 का स्क्वायर और +27 का स्क्वायर, माइनस करोगे तो एनीवेज ही प्लस हो ही जाएगा, अपॉन में 65 का भी स्क्वायर करेंगे, यस पूरा का स्क्वायर करोगे आप, ए प्लस बी अपॉन टू या ए माइनस बी अपॉन टू, आप सबका स्क्वायर कर रहे हो, तो जो माइनस वाले नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली प्लस में बदल जाएंगे, यही होने वाला है। यहाँ पे आपका 2 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा ये, विच इज इक्वल्स टू इसका कैलकुलेटेड वैल्यू, इसका कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है, 1170 अपॉन में 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ आएगा जो कैलकुलेट करना है, फिर से अगर आप इसको ही स्क्वायर कर देते हो, इसको भी स्क्वायर करोगे तो ये तो 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा अगर इसको स्क्वायर करोगे तो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी अपॉन टू के फॉर्म में आएगा, विच इज इक्वल्स टू 1170 अपॉन में 65 × 65 × 4 आएगा। जो आपको वैल्यू निकालनी है वो आएगी आपकी -3/√1/13। कैसे आएगी, जब ये स्क्वायरिंग इधर दोगे ना, ये सिर दर्द अपना इधर देगा, तो आपको कुछ तो ऊपर जो मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर में होगा, और हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9/ में समथिंग रूट ओवर आएगा, ठीक है, वो माइनस में आएगा, 9 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 किसका है, 3 का ही स्क्वायर है ना, तो 3/समथिंग में √130 हो जाएगा। ये आंसर आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद, फिर भी आंसर आने के बाद भी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो आपका आंसर आया भी है -3/√1/130, वो क्या है, 3 कमांडो से छोटा है और 1 कमांडो से बड़ा है, बट ये कमांडो इसके लिए नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि इनके पास पैर नहीं है ना, इसके पास पैर है, इसका मतलब π/2 <ruto/130 <ruto/3π/2। ओके, ये इसका क्या बनेगा, सही लाइनअप बनेगा, ये पाई ओवर टू के टर्म्स में आएगा और 3π/2 के टर्म्स में आएगा, क्योंकि 1/2 लग जाएगा यहाँ पे, रूट के चलते हाफ लग जाएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो इसका सही रहेगा, नो डाउट, बट ये जो इन्होंने बोला है ना, ये जो इनका दिया हुआ है, तो वो चीज गलत प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्चुअली में इनको देना चाहिए π/2 इज लेस देन -3, मतलब जो आंसर है आपका अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन 3π/2, ठीक है। ऐसा आंख बंद करके क्वेश्चन में नहीं देखना कि हाँ ये दिया है तो यही होगा, नहीं, ये हमारा π/1/2 के टर्म्स में होगा, यानी कि π/2 के टर्म्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं थोड़ा क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 62 तो लोकस वोकस का क्वेश्चन है, अगर मैं इसका डायग्राम पहले ही बना दूं, एक पैराबोला, ठीक है,
और क्या बोल रहे हैं लोगों, सब द पॉइंट एक्स वाई उस डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन वाई इक्वल्स टू 2x+2 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम 2 0 फ्रॉम इस पैराबोला विद द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम एज दैट ऑफ द पैराबोला वाई इक्वल्स टू kx2। ऐसे एक लाइन क्रिएट कर सकते हो आप, ये भी परपेंडिकुलर बनाएगा आपका। यहाँ पे क्या होगा, एक एस दे दोगे, एस कितना है 2,0 दिया हुआ है, लाइन कितना है वाई इक्वल्स टू 2x+2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं हमसे कह रहा है कि आपका 2x+2 इज इक्वल्स टू kx का स्क्वायर है, फॉर्मूला कैसे बैठेगा इसका, 2 मॉड में 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू समथिंग में 2 आ जाएगा, प्लस 2 -0 अपॉन में रूट ओवर कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस x का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं होगा क्या। दिस इम्प्लाइज, सारे लोग खामोशी से बैठे हैं, 12 अपॉन रूट ओवर 5 होगा जो कि 1 अपॉन k है, तो k आपका कितना हो जाएगा, √5/12, ये आपका k हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, नहीं भाई इतना सन्नाटा क्यों है, क्लास चल तो रही है। हाँ ठीक है, क्लास में अच्छी खासी चल रही है, ठीक है ना बच्चा लोग, ओके है ना। कुछ बोलना है किसी को, कुछ मन में दुविधा है, डाउट है तो बोल सकते हो, पूछ सकते हो। नो सीधे ही बोल दिया नो मैम, अपना काम करो आप। ओके ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 63, इसका सॉल्यूशन, द कोएफिशिएंट ऑफ x^20 इन 1 + x, 1 + 2x, 1 + 4x। सी यहाँ पे x भी है और नंबर भी है, थोड़ा अनोखा सीरीज बनेगा इसका। इसको घुमा दो आप, अगर x+1, 2x+1, 4x+1, 8x+1 ऐसे हो जाएगा ये। इसको हम कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, इस पूरे सीरीज को x+1 देन 2x+1, 2x 2 स्क्वायर x, तो ऐसे ही रहेगा +1, 2³x+1, दिस होल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2^20x+1, ओके। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 × 2 × 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड सो ऑन 2^20, ठीक, ये 20 में चला जाएगा आपका। सब फर्स्ट क्लास है यहाँ तक। यहां से अगर आपको देन सीरीज और लिखना होगा तो हम इसको एक्सपेंड किया करते थे x+1 × में x+1/2, सारे अपॉन्स में जा रहे हैं आपके, देन x+1/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इससे ज्यादा मत लिखो, और कितना x+1/2^20 तक आपको जाना पड़ेगा। 2 की पावर में 20 तो आएगा इंटू x+1 यानी कि 21/2 हो जाएगा ये, फिर बात x^20, ओके। फिर इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो आपको 2 की पावर में कुछ तो मिलेगा, जो भी मिलेगा विच इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू इनटू में, इनको सॉल्व करोगे तो 1 - 1/2 × x+1 यानी कि 21 हो जाएगा, अपॉन में 1 - 1/2 हो जाएगा। पूरे को सॉल्व करके आपको 2 का कोएफिशिएंट मिलेगा, दिस वन 2 × something - 2 × something। सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सिंपलीफाई करना पड़ेगा, वो तो मेरे करने का कोई मतलब बनता नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन है,
वैसे आप लोग मुझसे कभी कुछ पूछते नहीं हो, कभी ये नहीं पूछते हो कि मैम इस क्वेश्चन का जेई में कभी आने का चांस है कि नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका जेई में आने का कितना चांस है बच्चों, इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चंस का? क्लास क्यों ज्वाइन करते हो मेरी, बस ये देखने के लिए कि मैं क्या करवा रही हूँ? मैथ्स क्लास अच्छी लगती है क्या बहुत आपको? यस मैम। ओहो, मैथ्स क्लास अच्छी लगती है, बस मैम यहाँ पे आना है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, अमृत बरस रहा है, उसी अमृत का प्याला हमें भी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है, ऐसा कोई फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा था क्या? 1/2 में x1, y2 - y3, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था? प्लस x2, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, क्या लिख रही हूँ पता नहीं, y3 - y1, देन प्लस x3 y1 - y2। y2। अरे सही लिख दिया मैंने, लग रहा है कुछ भी नहीं लिख रहे हो, सही लिख रहे हो मैं तो। चलो ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। मैं बस फॉर्मूला बता के छोड़ दूंगी, पूरा एक्सप्लेन, पूरा यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, बस फॉर्मूला बता देना, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही है, तो कभी अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आया था, झलक दिखला जा उसका भी देख लेते हैं हम, ये भी अपना झलक दिखला दे। हार्मोनिक मीन का किसी को फॉर्मूला पता है जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो? 1/L1 प्लस 1/L2 इज इक्वल्स टू 1/4A, यही है क्या हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला? और यहाँ पे आपको दिया है क्या, y² = 16x + 1, ये दिया हुआ है, तो ये जो 16 है ना ये 4A है, y² = 4x आप लिखते हो ना, y² = 4x, मतलब कि आपका अरे कितना हो जाएगा, मतलब कि आपका 1/L1 प्लस 1/L2 1/16 के बराबर है। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये L1 L2 हो जाएंगे और ये L2 + L1 हो जाएंगे, बस इसको सिंपलीफाई कर देना, आपको मिल जाएगी वैल्यू किसकी, L1 और L2 की। कितनी मिलेगी वैल्यू ये मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शंस में ही, 4, 16, 8, 32, इसका कितना आंसर होगा? 32, 32 हो सकता है, होना तो चाहिए, अगर आप लोग सॉल्व करते होते ना अभी तक मुझे बता देते, बट आप लोग नहीं कर रहे हो एनीवेज। चलो डी आंसर है इसका, 32, यही फॉर्मूला लगा के सारे स्टेप्स हो गए, बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना रहेगा आपको। बच्चों एक चीज का जवाब दे दो, जब अभी जैसे हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं ना तो कभी याद आता है कि अरे ऐसा कुछ हमने कभी किसी जमाने में पढ़ा भी था, कुछ याद आता है आप लोगों को? नहीं, मैम आता है। आता है, अच्छा ठीक है, चलो किसी ने तो बोला, कशिश ने बोला, चलो मैं ही बोल देती हूँ, कब से मैम पूछ रही है हमसे, ठीक है, थैंक यू कशिश। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस ए, इसको तो पहले ही आप क्रॉस मल्टीप्ली ब्रैकेट ओपन कर लो, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके, तो जेड जेड बार देन माइनस में क्या होगा,
अरे भाई ब्रैकेट ही तो ओपन करना है। चलो इसका आप ब्रैकेट ओपन करो। हाँ बताओ। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगी, अब मैं भी ओपन नहीं करूंगी। देखो बच्चों, इसको जब आप ना यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो आपका एक फाइनल इक्वेशन बनेगा। वो फाइनल इक्वेशन कैसे बनेगा? फाइनल इक्वेशन बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स। जो टर्म्स हैं आपके, उसको आपको रीअरेंज करके बनाना है। क्या बनाओगे उधर, मतलब कैसे बनाओगे? सी लिख देती हूँ मैं ही आपके लिए, आप उसको करके देखना। एक्स प्लस आई वाई और ए प्लस आई बी के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस सॉरी ए प्लस बी एक्स, और कितना बनेगा? प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी वाई। जो आपका ए माइनस बी होगा ना, अपॉन में कितना हो जाएगा? टू, विच इज इक्वल्स टू 1/2, और ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल्स टू 3/2। यहां से लिखा मैंने 3/2 एंड 1/2, बस यहीं से आपको ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगी वैल्यू। ए बी इज इक्वल्स टू 2 है ये इक्वेशन रीअरेंज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इफ ए इज ग्रेटर देन 2, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 - ax² + 3 ax - 1 = 0 आर। ये भी ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअली इसका आंसर बहुत पॉजिटिव है। मतलब इसलिए पॉजिटिव है ना कि सी ए तो 2 से बड़ा है। अब वो ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हाँ इक्वेशन सॉल्व करोगे तो दो वैल्यूज पता चल जाएंगे आपको। पॉजिटिव में ही आने के चांसेस ज्यादा है इसके। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² माइनस में, इन सबको माइनस में ले लो, मतलब इससे होल को डिवाइड कर दो आप, तो 3a - 2x + 1a - 2 = 0। d इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करो, 9a² - 2 होल का स्क्वायर, फिर कितना होगा? -4 × 1/a - 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, नाउ सॉल्व करके आपका होता है 9a² - a - 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे? नहीं लगाओगे, a - 2 लगाओगे, वो भी नहीं लगाना है। 4a + 8 / a - 2 होल का स्क्वायर, अभी भी आपने स्क्वायर नहीं खोला है, ए माइनस टू का स्क्वायर नहीं खोला है आपका, नहीं खोला है तो उसको एंड तक रखो आप, और फाइनली जब इसको खोलोगे ना, मतलब इसका स्क्वायरिंग हटाओगे, तो आपको 1/a - 2 > 0 मिलेगा। जैसे ही ग्रेटर देन 0 मिल गया, आप समझ जाना इसका तो रूट फॉल करेगा पॉजिटिव में ही, मतलब बहुत पॉजिटिव रूट्स मिलेंगे, इससे आगे भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डीपली ये क्या होगा वो क्या होगा कुछ भी मत बताओ, बहुत पॉजिटिव होंगे इसके, इमेजिनरी तो कहीं से भी नहीं है ये, नेगेटिव भी नहीं है मतलब, और नेगेटिव होने का चांस भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव ही होने का चांस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द लाइन दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। ये कैसे होगा भाई? यहाँ पे करना क्या है? सी कुछ मत करो आप बस लैम्डा की वैल्यू अगर 0 रख के देखते हो ना, तो आपको टेन कितना मिलेगा? π/4 मिलेगा। जैसे ही π/4 मिलेगा, आपको x + y = π/4 आंसर मिल जाएगा इसका। दिस इज द राइट वन। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको तो नहीं कराने की जरूरत है मुझे, क्योंकि ये इजी है बहुत। आप ट्राइंगल का बस फॉर्मूला लगा करके, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पे आप निकाल लोगे एबीसी का, वर्टिसेस दिया ही हुआ है, एरिया ही निकालना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 70, ये आपको क्या दिया हुआ है पता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27 जो दिया हुआ है, और ए स्क्वायर बी क्यूब सी फोर। क्लास में कभी आपने देखा था, एक दो बार तो देखा ही आपने, जितना लिखा होता है उसको आप क्या करते हो, एक्सपोनेंट को अपॉन में करते हो। ए स्क्वायर लिखा है तो ए अपॉन टू, ए अपॉन टू, फिर बी अपॉन थ्री, बी अपॉन थ्री। हमने खुद इस तरीके से किया हुआ है सॉल्व क्लास में एक बार। सी फोर है मतलब कितना हो जाएगा, सी इंटू वन अपॉन फोर, फोर टाइम्स हो जाएगा आपका, यानी कि सी अपॉन फोर, सी अपॉन फोर, सी अपॉन फोर और सी अपॉन फोर। ठीक है, सबका सीरीज बना दिया आपने। सीरीज बना के क्या करोगे अभी? ये जो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 27 अपॉन 9, 9 के पावर, ये पूरा 9 टाइम्स ही तो दिया हुआ है ना, इसकी पावर 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब, और कितना है, सी टू दी पावर 4। इनकी पावर कितने तो हो? आजी क्या अपॉन में, ये पूरा 1/9 में होगा। अरे ए एम जी एम वाला क्वेश्चन है ये, ए एम जी एम वाला क्वेश्चन है ये, 1/9 में जाएगा। और इसके अपॉन में क्या आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब लिख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर, और बी में क्या लूंगी मैं, 3 का क्यूब, देन सी टू दी पावर 4 मतलब 2 टू दी पावर 8, क्योंकि 4 का 2 2 जा 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका भी आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे 2 टू दी पावर 8। इनको आपको बेसिकली सॉल्व करना है। पावर्स कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको आता है, इसको 9 टर्म्स नहीं करने की जरूरत है, उससे कम में ही हो जाएगा ये। और सबको जब सॉल्व कर लोगे आप, तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी फोर लेस देन इक्वल टू 2 टू दी पावर 10 इंटू 3 टू दी पावर 12 होगा। समझे? समझे बच्चों या नहीं समझे? हाँ मैम फिर से समझा दो एक बार। जी मैम फिर से समझा दो एक बार। ओके। आपको ये याद है कि आपने कभी ऐसा एम जी एम वाला कभी पढ़ा था, कि जो एक्सपोनेंट में होते हैं आप उसको कितने टाइम्स लिखते हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है? क्लास में पढ़ा था? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। ये कितने टाइम्स हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ पावर ऐड कर दो, 3 प्लस 2, 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 है ना, तो पूरे से अपॉन में 9 आपने किया है, एंड इसको होल को किससे कर रहे हो आप, किससे पार्टीशन दे रहे हो, 9 से ही दे रहे हो, होल टू दी पावर 9। तो एम और जीएम होता है अगर, तो एक में आप 9 लिखते हो, मतलब एक में एक्सपोनेंट लिखते हो, और एक में 1/1 में लिखते हो। मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ एम जीएम को आप कैसे लिखते हो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27, ये किसका फॉर्म है? ये तो एएम का है ना, अरिथमेटिक मीन का ही तो है, ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्म हो गया है। मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करोगे इसको, 2 3, मैंने ये क्यों लिखा, 2 की पावर 2 लिख दिया, बी की पावर में 3 की पावर 3 लिख दी, बट सी टू दी पावर 4 अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने 2 की पावर 8 लिखी है, ना कि 4। 4 लिखना चाहिए था मुझे, बट मैंने क्या लिखा है, 8 लिख दिया है वहां पे। तो क्या 8 लिखने से ही मेरे ये सारे पावर सॉल्व हो जाएंगे, 2 की पावर 8 ये हो गया, और 2 की पावर और कहीं पे आएगी, 3 की पावर से 3 की पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 3 9, 3 27, 3 क्यूब 3 क्यूब वैसे ही कैंसिल हो जाना है, तो बचेगा क्या? आपने पावर्स भी जोड़ घटाव करना आता है ना, आपको मुझे बोलना चाहिए था नहीं मैम कैंसल कैसे होगा, जब ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 होगी तो ये ऊपर जाएगी, तो ऐड हो जाएगा 3 प्लस 3, सॉरी 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 हो गया, 8 प्लस 2 ऐसे ही 10 हो गया, मैंने तो पावर्स यही ऐड करके लिख दिए कितना आता है, और यही आंसर बता दिया। मान लो ये ऑप्शन में नहीं भी होता तो भी मैं इसी को टिक करती, क्योंकि आंसर तो इतना ही आ रहा है आपका। प्रॉब्लम होती है ना बच्चों की, आप थोड़ा भूल भी जाते हो,
और फिर आपको लगता है मैम अच्छे से बता भी नहीं रही है। कोई बात नहीं है, याद आ जाएगा आपको, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। नेक्स्ट में चलते हैं। यस मैम। हाँ, ये क्वेश्चन भी जरा आप ना खुद से ट्राई करना। मैं ये क्वेश्चन 10th वालों को करा रही थी। क्या करना होता है पता है इसमें, रिमाइंडर फाइंड आउट। जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एक होता है क्लास 10th में, वो पढ़ते हैं ना, सेम उसी तरीके से है। बोलते हैं ना कितना डिविजिबल बाई 5 है, कितना किसका रिमाइंडर 5 बचेगा, इनके ना लास्ट डिजिट्स को ऐड करना होता है। लास्ट डिजिट्स जो होते हैं यूनिट प्लेस वन प्लेस के, उनको अगर आप ऐड करोगे, ऐड करके आपको कुछ नंबर मिलते हैं। उन नंबर्स को ऐड करके जो भी आपको नंबर मिलेगा, सपोज आपको 3 नंबर्स मिले, उन नंबर्स की पावर 5 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाए। इसको आप करके देखना, बहुत मजेदार है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ जेई की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत इजी है। तब के क्या करना है, लास्ट डिजिट ऑफ पावर ऐड कर देना, आपको मिल जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 72, खुद से करके देखना। फिर नहीं आता है तब कोई आंसर रेफर करेंगे हम। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस प्रॉपर्टी पढ़े, x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 20। कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग? अभी तो लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, मतलब जो लास्ट चैप्टर्स हुए थे आपको। कैसे करोगे? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। नहीं पता, आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, सपोज मैंने 20 कर दिया, तो इसका मतलब क्या समझते हो आप? कि आपको कुछ 3 नंबर्स चाहिए जो इक्वल्स टू 20 हो, तो आप इसको कैसे बोल सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आर है मेरे पास, आर बोल दो। आर इफ सपोज किया जाता है इंटीग्रल सॉल्यूशंस में, आर बोलोगे जैसे ही तो आपको पता ही नहीं आर को निकालना कैसे है, तो उसको एक सीरीज दे दो। क्या दोगे? कॉम्बिनेशन दे दो, सीरीज नहीं दोगे तो। आर माइनस वन टू, ये कॉम्बिनेशन में इसको सॉल्व कर दो। कॉम्बिनेशन तो सॉल्व करना आना चाहिए ना, क्योंकि हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर चुके हैं वो चैप्टर पूरा। मान लो आपको पूरा नहीं भी आता है सॉल्व करना, तो आधा तो आना चाहिए, तब तो जाके बोलोगे कि इस स्टेप में हम अटके हैं, यहाँ से कैसे निकले। बट आप अटके ही नहीं तो आपको कोई बाहर ही कैसे निकाल पाएगा, उसके लिए तो आपको अटकना पड़ेगा। तो पहले आप कहीं पे अटकिए, फिर वहां से हेल्प मांगिए बाहर निकलवाने की। यही वाले फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा। जरूरी नहीं कि इन चारों में से कोई नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। हो सकता है ऑप्शंस गलत भी प्रिंट हो गए हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है उनको। वेरिएबल एलिप्सिस आर ड्रॉन विथ एक्स इक्वल्स टू -4 एज डायरेक्ट्रिक्स एट द ओरिजिन एज करस्पॉन्डिंग फोकस द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस एक्सट्रीमिटीज मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। एक इलिप्स से बनते थे, दो इलिप्स वाले भी हम कर चुके हैं, दो इलिप्स वाला आपने फॉर्मूला भी देखा है। माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, उसमें दो बन जाएंगे जैसे सर्कल में बनते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, याद है जो बनाते थे इलिप्स और डायरेक्ट्रिक्स वगैरह, तो उसी में से तो पूछ रहा है ये।
इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस, इनका क्या होगा? क्या होगा बच्चों? क्या होगा इनका? उससे पहले मुझे डाउट है, मेरा क्या होगा? क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो हम एच और के पॉइंट लेके चलते हैं ना, एज्यूम करके चलते हैं। एक्स इक्वल्स टू -4 दिया है आपको, ये याद है? ए अपॉन ई माइनस ए इक्वल्स टू 4 लिख सकते हो, देन ए 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ई। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने एच को सपोज किया ए और के को क्या सपोज किया? बी, ए और बी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेकर के आप चल रहे हो, तो ये आपका 1 माइनस ई का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4 ई। 1 माइनस ई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ई। देखो बच्चों, ये चीजें कुछ याद रखनी पड़ेगी अगर सॉल्व करना है तो, नहीं तो मुश्किल है फिर इसका सॉल्व होना। आप देख लीजिए क्वेश्चंस कैसे हैं, इंटरेस्टिंग है जो भी है, ठीक है। बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 4h, तो के स्क्वायर कितना हो गया? 4h। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4x। इसेंट्रिसिटी कितना होगा? 4 4 कितना हो जाएगा? 1 ही तो हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी माइनर एक्सिस का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका आंसर, इसीलिए 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको क्या करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल उस मीडियन ऑफ लेंथ, ये भी आप ट्रायंगल का क्वेश्चन करो खुद से, इजी है। दो दो फॉर्मूलाज लगेंगे, सर्कल है और ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी देख चुके हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देख चुके हो, तो ये भी आपको खुद करना चाहिए। मैं बस इसका आंसर आपको बता देती हूँ सी, जो कि मैं नहीं भी बताऊंगी तो आपको मिल ही जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस इज इक्वल्स टू 1 इज 2/√3 एंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। अरे ये तो फॉर्मूला है आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल्स टू 1 दे दिया हुआ है आपको, बस आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है यहाँ से, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते बच्चों पूरा फॉर्मूला लगा करके? ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे सेजल? सन्नाटा कायम रहे, हमारे क्लास का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सन्नाटा कायम रहेगा। कुछ तो बोलिए, कुछ भी, कब तक चुप बैठेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा द होल का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है? ये किसी का फॉर्म नहीं दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह में क्या रखूं मैं, बताओ? बच्चों नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूलास तो पढ़े ही हैं आपने, फिर क्या दिक्कत है आपको? सी 1 प्लस क्या लिख रही हूं मैं? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होगा? ये 2/√3 था ना,
तो पूरे का स्क्वायर करोगे तो 4/3 मिल जाएगा आपको। आपने सबका स्क्वायर कर डाला तो आपको 4/3 मिलेगा। एक्स और वाई अलग हो गया, हमने वन को अंदर ले लिया है। इसको इस मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो आपका ये जो कॉस थीटा अपॉन में 1 + sin θ पूरे का स्क्वायर है वो कितने के बराबर है? 1/3 के बराबर है। अगर ये 1/3 के बराबर है तो बाकी बचे हुए टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे? क्या बचेगा हमारे पास? हमें पता है कॉस थीटा कितना होता है, sin π/2 - θ अपॉन में 1 + क्या लिख सकते हो? cos π/2 - θ विच इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। समझे? आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को कोई फॉर्म देना है विच इज इक्वल्स टू 1/3 में आ जाएगा। ये जब ये सब 1/3 में आ जाएंगे, 4 कहाँ गायब हो गया? 2 का स्क्वायर लिया था ना आपने, तो अगेन 4 को हटा दोगे वहां से, कॉन्स्टेंट हट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। सबको जब ये सॉल्व करोगे π/2 के टर्म्स में तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? अरे भाई, sin/cos आपको 10 नहीं मिलेगा, 10 यस तो मैम, मिल जाएगा स्क्वायर में, π/2 - θ मिलेगा। और ये भी इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 1/3। ऑन तो थ्री बेसिकली बेसिकली π/4 - θ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 10 π/4 ही पढ़ा है, π/2 का स्क्वायर, 10 π/4 - θ हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 76 का? ये तो 5 तो होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 2 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मतलब पाई ही बचेगा ना, 2 भी नहीं होगा। लॉजिकली सोचो तो 5 7 का तो सवाल नहीं है, 2π/3 भी नहीं होगा क्योंकि π/4 है। तो बेसिकली क्या बचेगा आपका? थीटा भी चला जाएगा, 1/4 भी चला जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा आपके पास आंसर में। बच्चों रुक जाओ थोड़ा, पूरे क्लास में कोई रिस्पांस मिला ही नहीं मुझे। एनीवेज 1 2 3 4 5 6 ना, ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम आपके कल वाले क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं, ठीक है बच्चों? यस मैम, क्योंकि आपका क्या है, आप तो जैसे टीवी सीरियल होता है 45 मिनट का, वैसे आप और थोड़ा सा देख लोगे, लेकिन मैं टीवी सीरियल की तरह नहीं करूंगी। इतना ही क्वेश्चन अभी के लिए काफी है, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ना कि सारा एक ही दिन में खत्म कर दूं मैं। कल वाले क्लास में बाकी बचे हुए कर लेंगे खत्म, तो कल भी टेस्ट डिस्कशन ही रहेगा आपका। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बच्चे हैं, अरे 7 ही लोग हैं, 2 तो स्क्रीन और मैं भी है। कुछ बोलना है बच्चों आपको? कोई शिकायत, कोई शिकवा? नो मैम।